हाँ तो भाइयों, आप लोग को सूचित किया जाता है कि रुद्रदीप विधानसभा 403 में सरवन सिंगोर को टिकट मिला है इस बार। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सभी कोई मिल करके सरवन सिंगोर को फुल बहुमत वोटों से जिता करके भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि ये दिल्ली जाएं और अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए बात कहें। क्योंकि आप लोग जानिए, पुराना विधायक जेल चला गया है, उसके बदले में फिर से सरवन सिंगोर को मिला है। तो आप लोग से निवेदन चाहते हैं कि सरवन सिंगोर जी को 1 जून को पहुँच करके भारी मतों से वोट दे करके जिताएं और उनको फुल बहुमत से बनाएं। आप देख सकते हैं बुल्लू केसरी जी भाषण दे रहे हैं, जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। तो आप लोग से निवेदन चाहेंगे कि 1 जून को पहुंच करके भारी मतों से वोट दे करके विजय बनाएं, ताकि भाजपा के सरकार में कोई भी क्षेत्र पीछे ना रह जाए। देख सकते हैं कि मोदी जी का योजना में कितना से कितना योजना आया और क्या क्या हो रहा है। जितना भाजपा ने विकास किया, कोई पार्टी विकास नहीं किया। तो आप लोग से चाहते हैं कि एकदम भाजपा को कमल के फूल पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बना करके और उनको दिल्ली पहुंचाने के काम करें सरवन सिंगोर को। 1 जून भूलेंगे नहीं, और सभी से निवेदन है कि 1 जून को पहुंच करके आप लोग भी यहां लड़ाई झगड़ा ना करना है, जाना है और वोट मार के भक्कम आ जाना है सरवन सिंगोर को फुल बहुमत वोटों से जिता करके रुद्रदीप विधानसभा में नंबर 1 लाना है, ताकि एक गांव का विकास कर सके। आप लोग से निवेदन है कि जल्द से जल्द 1 तारीख भूलेंगे नहीं। हम आप लोग को सूचित कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग को सूचित करके हम आपके यही बताना चाह रहे हैं कि रुद्रदीप विधानसभा में 403 को सरवन सिंगोर जी को फुल बहुमत वोटों से जिता करके भारी मता से विजय बनावें और उनको दिल्ली के लिए रवाना करें, ताकि वो अपने विकास के शहर के लिए विकास करें, गांव समाज के लिए विकास करें, दुद्दी विधानसभा में इतना काम कर दें ताकि अगले पंचवर्षीय में फिर से उनको जिताया जाए। तो आप लोग से निवेदन है कि जल्द से जल्द पहुँचते और दुद्दी विधानसभा में पहुँच करके भारी मता से सरवन सिंगोर जी को फुल वोटों से जिता करके और कमल साहब मीना को भारी मतों से विजय बनाएं। और संसद का भी चुनाव हो रहा था, जान ही रहे हैं, कब परेड का चुनाव, सब मोहर लगा के भारी मतों से विजय बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय